हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू और मैं हूँ धनबाद झारखंड से। और दोस्तों आज मैं हूँ कोयले की खादान में, गाइस ठीक है। मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ और गाइस अभी कोयले की खादान में हूँ। तो आप यहाँ पे चारों ओर देख सकते हैं कोयला ही कोयला यहाँ पे, जो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि कोयले को ही हीरा बोलते हैं गाइस ठीक है, ब्लैक डायमंड। तो आपके सामने ये सारा ब्लैक डायमंड दिख रहा होगा और मैं चारों तरफ से यहाँ दिखा दूँ तो हरियाली भी है और पूरा बाउंड्री लगा हुआ है चारों तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर लाइट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे पूरा लाइटिंग का सुविधा दिया, ताकि किसी भी वर्कर को ज़्यादा दिक्कत ना हो, लाइट का असुविधा ना हो। और बहुत ही बड़ा कैंपस है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे नज़दीक से, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कोयले हैं, कोयले को यहाँ पे इकट्ठा करके जमा करके रखा हुआ है। और दोस्तों अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का जो मूवी था कोयला मूवी, वो इसी सिटी में ही शूट किया गया था। कोयला के बारे में जितना भी डिटेल बताया था इसी सिटी से ही बताया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितना आपको यहाँ से यहाँ पूरा दिख रहा है, आपको पूरा कोयला कोयला ही नजर आ रहा होगा गाइस ठीक है। पूरा कोयला यहाँ से डिपो, यहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस चलता है, तो अंडरग्राउंड माइंस चलता है तो यहाँ पे इंग्लैंड वन इंग्लैंड टू दो इंग्लैंड है। ब्लास्टिंग करने के बाद कोयला को बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ से बहुत सारे वर्कर यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। आप अगर इधर से देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा कोयला नज़र आ रही होगी गाइस ठीक है। मैं आपको इंग्लैंड वन इंग्लैंड टू जहाँ से माइंस के अंदर जाते हैं लोग और वहाँ से कोयला निकाल के लाते हैं, तो मैं आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो पर बने रहे। अब यहाँ पे जो ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे से बेल्ट के माध्यम से यहाँ पे कोयला को स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद ये जो गाड़ी खड़ी है इसी के माध्यम से कोयला को साइड करके रखा जाता है गाइस ठीक है। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. तो दोस्तों यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का बटन दिया है, यहाँ पे अगर स्विच ऑन करेंगे तो ये जो बेल्ट है यहाँ से स्टार्ट, जमीन के अंदर से स्टार्ट होगी और वहाँ से स्टार्ट होने के बाद कोयला का जो बेल्ट है, बेल्ट कोयला को लेते आता है और वहाँ पे जाकर ड्रॉप करती है और वहाँ पे कोयला लोडिंग करके आपको कोयला जो है साइड साइड में जमा कर देता है, इकट्ठा कर देता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस ठीक है। तो ये इस तरह का यहाँ पे कोयले की खदान में काम किया जाता है कुछ इस तरह से। वो हो गया इंक्लाइंड वन और इधर हो गया आपका इंक्लाइंड टू गाइस। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो, ये दरवाजा जो हो गया इससे आदमी अंदर ले जाता है गाइस ठीक है। तो बहुत दूर अंदर जाता है, जमीन के अंदर रहता है लोग आदमी गाइस ठीक है। तो ये जब गेट खुलता है, खुलने के बाद आपका अगर ये हॉलेज है, हॉलेज से गाड़ी भी अंदर जाता है और वहाँ से कोयला लेके आता है। इधर जो है हॉलेज से अंदर जाता है, हॉलेज से कोयला लेके आता है और उधर जो इंक्लाइंड है उसमें बेल्ट से कोयला को बाहर किया जाता है। और ये जो हॉलेज को चलाने के लिए वहाँ पे एक हॉलेज रूम भी है, वहाँ से ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है, तो रस्सी के सहायता, ये जो बहुत ही मजबूत रस्सी है इसी के सहायता से इसको अप एंड डाउन किया जाता है। आप देख सकते हो इसका जो रस्सी बहुत ज़्यादा मजबूती से इसको माना गया है और ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको जो है गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आवाज आ रही होगी, यहाँ पे एक पंखा घर है गैस ठीक है। तो पंखा घर में, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर से हवा आता है तो यहाँ से आदमी भी उड़ सकता है, इतना स्पीड हवा जाता है। मेरा शायद आवाज़ आपको नहीं आ रहा होगा, पता नहीं, बट गैस यहाँ साउंड पंखा का जो चल रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर। हम यहाँ घास के मदद दे सकते हैं, घास की सहायता से कितना
और यहाँ से पंखा को ऑपरेट किया जाता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया जाता है पंखे को। दोस्तों आप सभी ने देखा कि माइंस के अंदर कितना सावधानी से काम किया जाता है गाइस, ठीक है। बहुत ही सावधानी की जरूरत भी पड़ती है हमारे ये माइंस में और जितने भी सारे माइंस है। तो आपने कोयला जब फिल्म देखा होगा शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन का, तो इसी तरह का कुछ काम किया जाता है। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग इतना ही दूर तक था। हमारा ब्लॉग जरा सा भी पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना हमारे इस ब्लॉग को, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।